And गुड मॉर्निंग टू ऑल. आवर टूडेज टॉपिक इज कोल. कोल एंड स्टोरी ऑफ कोल आज हम पढ़ेंगे. हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या किया था, कोल एंड पेट्रोलियम वाला चैप्टर था ना, तो मैंने आपको फॉसिल फ्यूल्स और इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज करवाए थे. आज हम करेंगे कोल. कोल क्या है? यू हैव सीन कोल एंड हियर्ड अबाउट इट. आपने कोल के बारे में सुना होगा. इट हैज़ हार्ड स्टोन एंड इट हैज़ ब्लैक इन कलर. ये क्या होता है? हार्ड है, स्टोन जैसा दिखता है और ब्लैक कलर का होता है. कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड. कोल एक ऐसा फ्यूल है जिसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं. जैसे आप घर पे खाना पकाते हो तो आपने देखा होगा, जो विलेज में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो फूड है उसको हम कोयले से पका सकते हैं. अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम. तो इसका एक और यूज़ कहाँ पर होता है? रेलवे इंजन्स के अंदर स्टीम्स को प्रोड्यूस करने में. टू रन द इंजन इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट. और इसको यूज़ कहाँ होता है? थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में. कोल इज़ ऑल्सो यूज एज फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और कोल का एक और यूज़ कहाँ पे होता है? अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ कोल. वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म. आपके माइंड में ये आया होगा कि कोल हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन कोल आया कहाँ से? अबाउट 3 million years ago द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन द लो लेइंग वेट एरियाज. जो 300 साल पहले की बात कर रहा है, 300 साल पहले क्या था? 300 million years ago बहुत डेंस फॉरेस्ट होते थे वेटलैंड एरियाज में, मतलब लो लेइंग एरियाज में. इंडिया के क्या, पूरी अर्थ के ऊपर जो बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट हरिड अंडर द सॉयल, बरीड अंडर द सॉयल. देखो क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर्स आए, फ्लड आई, अर्थक्वेक्स आए, वॉल्केनोज आए. तो क्या हुआ, जो अर्थ के ऊपर ये डेंस फॉरेस्ट थे ये नीचे दब गए धरती के. एज मोर सॉयल डिपॉजिट ओवर दैम, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी, जैसे ऊपर जो ऐसे प्लांट ऐसे खड़े थे ऊपर, अब वो धरती हिली तो वो नीचे दब गए. ठीक है, उसके ऊपर सॉयल आ गई. एज मोर सॉयल डिपॉजिट ओवर दैम देयर दे वर कंप्रेस, वो कंप्रेस हो गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एंड दे सा डीपर एंड डीपर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. बहुत धरती के अंदर क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है. डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इंटू कोल, जो प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में. एज कोयल कंटेन मेनली कार्बन, कोयले के अंदर क्या होता है, मेनली कार्बन होती है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्या होता है? कोयले का धीरे धीरे, मतलब जो डेड रिमेन्स होती हैं किसी भी डेड वेजिटेशन जो होते हैं, जैसे जो प्लांट्स थे उनका धीरे 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 कोयले में बदलना, इसको हम क्या कहेंगे? कार्बोनाइजेशन. सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज ऑल्सो कोल्ड ए फॉसिल फ्यूल. कोयले को भी हम क्या कहेंगे? फॉसिल फ्यूल. कोल माइन इज शोन. अब देखो आपको, आपकी इस फिगर के अंदर कोल माइन दिखा रखी है. When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas. जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट. कोयले को क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या किया जाता है, इसको प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि इससे हम कुछ यूजफुल चीज़ें ले सकें, जैसे कोक, कोल टार एंड कोल गैस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोक. जैसे ये हम कह रहे हैं ना कि इसको प्रोसेस करते हैं और इससे कोक मिलती है. अब कोक क्या चीज़ है? इट इज़ ए टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. एक टफ पोरस मतलब जिसके अंदर थोड़े छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ब्लैक कलर का सब्सटेंस है. इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन का प्योर फॉर्म है. कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. कोक का यूज़ कहाँ करते हैं? स्टील को मैन्युफैक्चर करने में कोक यूज़ आता है. इसके बाद है कोल टार. ये देखो कोल तार ही होती है. इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड. एक ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है विद एन अनप्लेजेंट मतलब जिसकी खुशबू हमें अच्छी नहीं लगती, अनप्लेजेंट स्मेल होती है. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री. वो कह रहे हैं कि जो कोल टार होती है ये ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है जिसकी की खुशबू हमें अच्छी नहीं लगती, और ये कि मिक्सचर है. किस चीज़ का मिक्सचर है? 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. जो इससे प्रोडक्ट्स बनते हैं कोल टार से, वो बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में काम आते हैं.
लाइक सिंथेटिक डाइज, जैसे सिंथेटिक डाइज हैं और जैसे ड्रग्स हैं, एक्सप्लोसिव मतलब जो एकदम से बॉम्ब बनते हैं ना जिससे फटने वाले, वो परफ्यूम, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफिक्स मटेरियल एंड इंटरेस्टिंगली नेफ्थलिन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉस एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेंड फ्रॉम कोल टार। नेफ्थलिन बॉल्स आपने देखे होंगे, आप कई बार ना जैसे हम जब स्कूल आते थे तो हम बॉटल्स लेके आते थे ना, तो जो बॉटल्स होती हैं तो आपने देखा होगा जब आप नई नई बॉटल खरीद के लाते हो उसके अंदर एक वाइट कलर का पाउच होता है, उसके अंदर नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं। वो बॉल्स किससे बनती हैं? कोल टार से। दीज डेज बिटुमिन, वो कोल टार, वो उसका क्या काम होता है बेटा, उसमें ना फिर जो प्लास्टिक होता है उसमें से गंदी सी स्मेल नहीं आती अगर नेफ्थलिन बॉल्स उसमें होती हैं। दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार। आजकल क्या है, पेट्रोलियम एक बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार। आजकल कोल टार की जगह बिटुमेन का यूज़ होता है फॉर मेटलिंग ऑफ रोड्स बनाने में। कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस का यूज़ कहाँ पे होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोक को ऑब्टेन करने में कोल गैस का यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज ए फ्यूल ये यूज़ किया जाता है, सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब हम करेंगे पेट्रोलियम। देखो बेटा पेट्रोलियम क्या होता है, यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज एज ए फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल्स, लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल स्कूटर एंड कार। देखो हम अपने घरों में जैसे वो देखते हैं ना मोटरसाइकिल स्कूटी एक्टिवा वगैरह खड़े होते हैं, इन सब में क्या डलता है? पेट्रोल डलता है। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, लेकिन ज़्यादा हैवी मोटर व्हीकल्स हैं वो तो डीजल पे चलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेंड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम, और जो पेट्रोल और डीजल है वो किससे मिलता है हमको? पेट्रोलियम से। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड, क्या आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ए ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ सी। पेट्रोलियम जो बनता है ना ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि समुंदर के अंदर रहता है, उससे बनता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म मरते जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जो समुंदर में रहने वाले जीव जंतु होते हैं ना, जैसे जैसे वो मरते जाते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है समुंदर के अंदर, एंड गोट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उनकी जो बॉडी होती है ना वो धीरे धीरे पानी के नीचे क्या होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी से ढक जाती है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, और बहुत सालों बाद एबसेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इंटू पेट्रोल एंड गैस। और वही डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस बन जाती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे देखेंगे कि रिफाइनिंग कैसे करते हैं पेट्रोल की। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक।